आज हम अपना सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है उलमा। मुसन्नफा का नाम है खाजा मसरूर, जो 1929 में पैदा हुए, 2012 में इनका इंतकाल हुआ। खाजा मसरूर लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर तैमूर अली खान सरकारी वालिद थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में गई। उनकी जान की वफात के बाद खाजा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया। इनके वालिद की वफात के बाद खाजा मसरूर को घर में अपने माहौल में असर था। 1947 में अपने खानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आई। कुछ अर्सा वो अहमद अली कासमी के साथ सालाना गोश की अदालत में शरीक रही। उनकी शादी मरूफ साहबी अहमद अली वजीर डॉन से हुई। खवातीन अफसाना निगारों में खाजा मसरूर ने खास ही शोहरत हासिल की है। अंडरलाइन करके इसको याद रखना। उनकी ज़्यादातर अफसानों का मजमू खवातीन के मसायल और छोटी बड़ी माशरती उजरे हैं। मरूफ अफसाना निगार और नकार मुमताज शरीन लिखती हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने खाजा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुतादा अफसानी मजमूआ शाया हो चुके हैं। मतलब चरखे आए अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह, वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमू भी शाया हो चुका है। खाजा के अफसानों का कुलिया सब अफसाने मेरे 1997 में लाहौर से शाया हुआ। खाजा मसरूर अपनी भरपूर अदबी और समाजी जिंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफात पा गया। कराची ही में दफन है। इनका अफसानों का मजमू सब अफसाना मेरे कब शाया हुआ था, इसको अंडरलाइन करके याद रखें। इनका जो हमारे सिलेबस में शामिल सबक है उसका नाम है मुलम्मा। मुलम्मा कहते हैं बेटा धोखे को, फ्रॉड को, दाद कार्य को तय चढ़ा रहे हैं। आप एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ की तय चढ़ा रहे हैं कि आप हैं कुछ और लेकिन अगर कुछ और आते हैं। इस सबक में आपको ये बताया जाएगा कि हाजरा जो है उन्होंने किस तरह के अफसाने लिखे हैं, और उसके बाद माशरे के ज़्यादातर कॉर्नर में जो धोखला बना है ना आपको जो है उसको सार किया जाएगा इस सबक में। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखावे की आदत करते हैं, और तुलबा को अफसाने की जो सीन है पढ़ने से आपको ये भी पता चलेगा, और उसके बाद अच्छे अफसाने की जो है वो खूबियाँ भी आप सीखेंगे। इस सबक के अंदर एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की गई है जो एक ऐसे अमीरजादे से मुतासर हो जाती है जो खुद भी उसकी तरह बहुत गरीब होती है। लड़की बयानी तौर पर गरीब घर से अलग रखती है, लेकिन वो लड़का जो दिखने में बड़ा अमीर लगता था लेकिन वो भी एक गरीब घर का जो है वो चश्मों से रहा था। इस सारे सूरत हाल के अंदर ये सारा अफसाना वो होता है। आप इसकी मशक पर आ जाएँ खुली ने लड़की के प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने से फिर एक आप उस लड़के ने इस रवैये का इजहार किया। लड़की ने नाकबारी का इजहार किया, उसने कहा कि मैं अब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठूँगी। लड़की सफ़र क्यों कर रही है, ये बड़ा मशहूर सवाल है सफ़र का। लड़की का चचा बीमार था, वो उसकी जिम्मेदारी करने के लिए सफ़र कर रही थी। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया, तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ कि जिसको अकील को साथ देकर कोई खाले से उगल देगा। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा, लड़की स्टेशन पर पहुंची तो उसने सबसे पहले ये देखा कि स्टेशन की खिड़कियां बंद हैं। लड़की जिस डिब्बे में सवार थी उसका माहौल कैसा था, उसका माहौल बड़ा अजीब था। एक तरफ लोग जो हैं वो इस तरह सोए पड़े नजर आ रहे थे जैसे कि वो सारे के सारे मर चुके हैं। उसमें कुछ खवातीन थी जो कि अपने लिहाफों में दबकी बैठी थी। बड़ा अजीब सा माहौल था उस वक्त। सबक को मद्देनजर रखते हुए अपने इंस्टीट्यूट पर निशान लगाने हैं। सबक मौलमा के माखज़ का नाम है। सब अफसाने मेरे माखज़ जहाँ से वो सबक लिखा जाता है, जिसको आपके सिलेबस में शामिल किया जाता है, जिसकी किताब से किया गया है, वो आपके किताब के ऊपर ही सब अफसाने मेरे लिखा हुआ है, जिसमें से ये सबक लिखा। जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुँची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी, 8 घंटा। सबक मौलमा साहब अदब के लिहाज से क्या है, अफसाना मौलमा जिसकी तहरीर है हाथ ना मसूर। लड़की ने पुलिस को कितनी रकम दी, 8। लड़की के सफ़र का मकसद क्या था, बीमार चचा की तैयारी। लड़की ने रेल सफ़र किस दर्जे में किया, इंटरमीडिएट। और इसके बाद इस सबक में से जो चीज़ें आपने याद करनी है वो मैं आपका होमवर्क आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपने खुलासा लिखना भी याद करना है। फिर दूसरे नंबर पे एमसीक्यू और उससे सवाल लिखें और याद करें, और फिर किताब पर दिए गए जरा काफी लिख दिया। इस तरह बेटा आपका सबक नंबर 6 जाओ मुकम्मल हो जाए। सबक का नाम है मुलम्मा मुसन्नफा का नाम है खाजा मसरूर, 1929 में पैदा हुए, 2012 में इनका इंतकाल हुआ। ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं छत्तीस खुलासा जब पढ़े हैं तो बहुत नंबर होते पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपने यही चीज़ें इनमें से याद करनी, खुलासा याद करना है। इस तरह से मुख्य सवाल आपका अच्छी और रखता है, जो पहला काम है उसमें आपने जाओ याद करनी है।